ये है अनीता विनोद। इन्होंने कोरोना को 11 दिन में हराया है। दो दो जांच रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई है। कैसे दी इन्होंने कोरोना को मात, सुनिए। मार्च 20 तारीख को मेरा एम्स पटना में जांच हुआ था और रिजल्ट 22 को आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा था। 11 दिन के बाद मैं दो नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उधर से डिस्चार्ज हुई हूँ। और मेरा बेटा इटली से आया था मार्च 5 को, उनका भी टेस्ट किया गया। मेरा पति और दोनों बेटे का किया, तब नेगेटिव आया है। और मेरे को अभी घर में 14 दिन का क्वारंटीन के लिए बोला है, मैं घर के अंदर ही बैठूंगी। और समाज से मुझे ये बोलना है कि जो सूचनाएं हमारा सरकार ने हमको दिया है, पूर्ण रीति से उसको पालन कीजिएगा। तो अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे सवालों का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं। अनीता जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त घर पर बैठे हुए हैं, उनके मन में ये आशंका है, ये डर है कि कैसे अचानक अगर कोई बुखार आ गया, जुकाम हो गया, तो क्या हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। आपने किस तरीके से सिम्टम्स महसूस किए, क्या कुछ महसूस किया जिसके बाद आपको पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है? देखिए मैम, एक्चुअली जब हमको थोड़ा सिम्टम्स पता चल जाएगा तो हम तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए जाइए, हॉस्पिटल जाकर उनका हमारा जांच कीजिए ताकि हम सुरक्षित है। तुरंत जब पॉजिटिव निकला तो घबराने की बात नहीं, तुरंत जो इलाज हॉस्पिटल से मिलता है और हॉस्पिटल के साथ हम कोऑपरेट करें, वही मेरी तरफ से बोलना है कि क्योंकि सही समय पर हम हॉस्पिटल पहुंचकर हमारा जांच होगा तो हॉस्पिटल में हमारा इलाज होगा। और मेरी तरह से बोलना चाहता हूँ कि वे लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, डॉक्टर्स या नर्सेस सब साथ ही कर रहे, क्योंकि वही मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। अनीता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको जब आपका इलाज चल रहा था बीमारी का तो कौन कौन सी मेडिसिन दी गई और किस मेडिसिन से आपको सबसे ज्यादा आराम मिला और आपको लगा कि अब रिकवरी हो रही है? मुझे लग रहा था कि मुझे वे लोग जब फीवर का तो पैरासिटामोल दिया गया था तो मुझे बहुत आराम मिला। और अजिथ्राल जो मेरे को सांस लेने का मुसीबत के लिए वे लोग अजिथ्राल दिया था, उसमें से बहुत आराम मिला था मुझे। और बीच में वे लोग कोई एंटी मलेरिया ड्रग भी दे रहा था, उसमें से जल्दी जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। अनीता जी आप जब बोल रही हैं तो साथ साथ में नमस्ते भारत में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है, वो कोरोना जो दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। अनीता जी, मैं चाहती हूं कि आप लोगों को इंस्पायर करें और बताएं कि इसमें घबराने डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी गया है फैमिली में, समाज में, तो आगे आकर खुद को आइडेंटिफाई करवाए, इलाज करवाए, आराम से आप घर जा सकते हैं ठीक होकर, वैसे ही जैसे आप कहीं। हाँ जी, मेरे को मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहे। घबराना तो हम सब मनुष्य आदमी लोग को तो घबराहट आते हैं क्योंकि पूरा दुनिया में फैल रहे हमारा। अगर हमको पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम कोशिश करें कि हम आइसोलेशन में ही रहे और मास्क पहने रहे और 6 घंटे में मास्क बदलते रहिए, ताकि वो लोग देते हैं हॉस्पिटल में बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो लोग जब 6 घंटे में मास्क बदलते रहते हैं और हमेशा मास्क पहने रहे और हमेशा हाथ और धोकर हाथ सब सैनिटाइज करते रहे, साबुन से धोते रहे, और हम खुद 10-15 दिन से ठीक हो जाता है, वही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अनीता जी, आप चूंकि आप घर चले गई हैं तो घर जाने से पहले डॉक्टर से कुछ सलाह आपको दी होगी, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी बताएं क्या कुछ प्रिकॉशंस आगे के लिए लेने के लिए कहे गए हैं, खान पान को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? देखिए डॉक्टर लोग ने बोला कि आप क्वारंटाइन में ही रहिए 14-15 दिन के लिए, और क्योंकि हमारा घर वाले को ना फैल जाए ये बीमारी। और वैसा ही मेरा परिवार का लोग का नेगेटिव रिजल्ट आया, फिर भी डॉक्टर लोग ने ऐसा मुझे एडवाइस दिया है कि आप क्वारंटाइन में ही रहे, ताकि हम मैक्सिमम उसको कोशिश करें कि किसी और से हमारे द्वारा ये फैल ना जाए। और डॉक्टर लोग ने मेरे खाने के विषय में कुछ भी मना नहीं किया, जो आपको मिलेगा सब कुछ खा सकते हैं, पौष्टिक आहार खाइए, वही उन्होंने हमको एडवाइस किया।
अनिता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस वक्त आप इस बीमारी से जूझ रहे थे तो अपने आप को आपने भरोसा और संबल कैसे दिया, क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं। देखिए मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ, मेरे पास एक बाइबल ही था और कोई आदमी से मिलजुल नहीं सकते थे क्योंकि नर्स लोग डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन जो बाइबल मेरे हाथ में था वो मेरे सबसे बड़ा कंफर्ट था। बाइबल पढ़कर मैं इतना कंफर्ट पाया कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वैसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन आपने क्योंकि बाइबल का जिक्र किया और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ चुकी हूँ अनीता जी, बाइबल से आपको ऊर्जा मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वायरस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के आगे, पूरी दुनिया के आगे फिर वही बात कहें कि आपको ऊर्जा भले ही किसी धार्मिक किताब से मिलेगी लेकिन इलाज साइंस से ही मिलेगा, डॉक्टर से ही मिलेगा। वो तो सही होगा, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। मेरी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो वचन मुझे बहुत तसली दिया। बिकॉज आई कैन ओनली मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जब अकेलापन रहा महसूस हुआ था मुझे, कभी कभी आंसू भी आ रहा था क्योंकि बहुत आइसोलेशन में है। चाहे हम हमारे परिवार लोग से व्हाट्सएप में बात करते हैं फिर भी हमको अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर भी हो हमरे से बाहर से 4 मीटर 5 मीटर दूरी से हमसे बात करती थी करते थे, तो हम बहुत दुख लगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ शायद इलाज तो होता है लेकिन चंगाई हमारा ऊपर वाला से ही होता है, वो मेरे यीशु मसीह मुझे चंगा दिया।